उत्तर प्रदेश के आगरा में यूटा के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने विद्यालय से संबंधित समस्याओं को उजागर किया, साथ ही विभिन्न समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। बता दें कि शिक्षकों में सबसे अधिक आक्रोश मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर दिखा। आगरा से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। के ब्लॉक अध्यक्ष सुशील शर्मा जी ने अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें इनके 7 बिंदुओं पर अपना इनका ज्ञापन है। तो इन बिंदुओं के बारे में बताना है कि जैसे मध्याह्न भोजन के लिए वरिष्ठ मार्केटिंग इंस्पेक्टर को पत्र दिया जा चुका है खाद्यान्न उठान के लिए, और दूसरा इनका बिंदु है रसोइयों के मानदेय के लिए मार्च तक का मानदेय का भुगतान किया जा चुका है रसोइयों का, और आगे के लिए डीसी एमडीएम जो हैं उनको हम इसके बारे में पत्र लिखते हैं। आज यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा शिक्षक संगठन है जो एक बेसिक शिक्षा परिषद का खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हुआ है। इसमें मूल समस्याएं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि मूल समस्या खाद्यान्न की आ रही है, बहुत उठान हो चुका है लेकिन अभी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है।